नमस्कार, पाकशाला वही पुष्पलता चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गणेश उत्सव आने वाला है तो हम बनाएंगे उनके भोग के लिए कई प्रकार के मोदक। तो सबसे पहले हम बनाएंगे उनके लिए पिंड खजूर के मोदक। इन मोदक को आप व्रत में भी खा सकते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन हम सभी का व्रत रहता है तो उस दिन के लिए आप भी बनाएं। इन मोदक को बनाने के लिए मैंने बिना बीज वाले पिंड खजूर लिए हैं, ये मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। पिंड खजूर को बारीक काटकर हम मिक्सर ग्राइंडर की हेल्प से इसको पीस लेंगे। मैंने करीब 250 ग्राम पिंड खजूर लिए हैं। पिंड खजूर को पीस कर हमने तैयार कर लिया है, इस प्रकार से पिसा हुआ हमें चाहिए। कढ़ाई में हम 2 से 3 चम्मच शुद्ध घी को गर्म करेंगे और फिर हम अपने कुछ पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स को इसमें भून लेंगे। तो मैंने काजू और बादाम लिए हैं, दोनों को मैंने बारीक काट लिया है, करीब 2-2 चम्मच लिए हैं। इनको हम लो फ्लेम पर कुछ सेकंडों के लिए भूनेंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर और साथ में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून खसखस, इसे पोस्तदाना भी कहते हैं। इनको भी हम लो फ्लेम पर भून लेंगे, बड़ी ही जल्दी ये भुन जाते हैं। 2 से 3 मिनट में सभी चीज़ों को हमने भूनकर तैयार कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ पिंड खजूर। गैस फ्लेम को हम लो ही रखेंगे और इसको हम आराम से इस प्रकार से मिक्स कर लेंगे। पिंड खजूर गर्म होने के बाद सॉफ्ट हो जाएगा तो बहुत आराम से ये मिक्स भी हो जाएगा। और इस प्रकार से मिक्स करते हुए हम इसे 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भून लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से मिक्स हो गया है, तो हम गैस फ्लेम को बंद कर देंगे और दूसरे बर्तन में इसको निकाल लेंगे। मिश्रण को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इसके मोदक बनाके तैयार करेंगे। मिश्रण हमारा ठंडा हो चुका है तो मैंने लिया है मोदक बनाने का मोल्ड। इसे आप बाजार से भी खरीद सकते हैं या ऑनलाइन भी ले सकते हैं। मोल्ड को हम घी से ग्रीस कर लेंगे इस प्रकार से। इसके बाद हम थोड़ा सा मिश्रण लेंगे और मोल्ड में इस प्रकार से सेट करेंगे। सेट करने के बाद हम मोल्ड को बंद कर देंगे और फिर हम इसे मिश्रण को दबाते हुए अच्छे से और भरेंगे इस प्रकार से। आप चाहें तो मोल्ड को सीधा बंद करके भी इस प्रकार से भर सकते हैं, पर कई बार शेप उसमें सही नहीं आता है। वैसे ही आपके ऊपर है, आपको जैसे सहूलियत हो आप इसे फिल करें और मोदक को तैयार करें। जितना मिश्रण बाहर आ गया है मोल्ड से उसे हम हटा देंगे और मोल्ड को इस प्रकार से खोल लेंगे। लीजिए, हमारा मोदक बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही सुंदर शेप में बना है। तो बाकी मोदक भी हम इसी प्रकार से मोल्ड में बनाकर तैयार कर लेते हैं। सभी मोदक को हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब जरा सा मटेरियल बचा हुआ है तो हम उसका हाथ से मोदक बनाएंगे। बिना मोल्ड के हाथों से भी मोदक को आराम से बनाया जा सकता है। लीजिए, हमारा मोदक बनकर तैयार है। ये भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। लीजिए, मोदक बनकर हमारे तैयार हैं। आप भी इस प्रकार से मोदक बनाकर गणपति जी का भोग लगाइए। आप सभी को गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी को उनका आशीर्वाद मिलता रहे। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें और हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।